सबको की प्रेज जयमोसिकेजलॉड आज का जो वर्ड पाया जाता है वो पाया जाता है साम वन वन नाइन वन हंड्रेड नाइनटी उसके एक सौ पांच वर्ष के अंदर भजन संहिता एक सौ उन्नीस उसके एक सौ पांच वर्ष वर्ष के अंदर जहां लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाओ के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है तो यही आज का हेडिंग है कि जो वर्ड इज फॉर माई फीट ये तेरा वचन मेरे पाओं के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है अगर हम इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि हम अपने जीवन में जीवन जो रूपी सफर है हमारा इसमें चलते हैं और हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे नेक्स टेप, नेक्स टेप में क्या है लेकिन प्रभु जिसने हमें रचा है हम उसकी सृष्टि है वो हमें संसार में लेके आया है उसको हमारी एक एक बात का पता है वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है वो आदि और अंत है तो उसने हमारे एक एक दिन गिन रखे हैं और उसको पता है कि हमारे आ, लाइफ में आगे क्या आने वाला है उसने हर एक चीजों को सेट कर रखा है हर एक आशीषों को सेट कर रखा है लेकिन ये जो जो हमारे जीवन का जो पड़ाव है जो हमारे जीवन का सफर है वो भले ही हो सकता है साठ साल का हो सत्तर साल का हो सौ अस्सी या सौ साल का हो तो इसको हम एक सफर के तौर पे मान सकते हैं जर्नी हमारी जो लाइफ है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इसको हम एक जर्नी के रूप में ले सकते हैं और इस जब ये जर्नी हम करते हैं हमारे जीवन की तो इसमें अलग अलग स्टेशन आते हैं अलग अलग आ, एक सेट कर रखा है प्रभु ने हर एक ऐसा एक सेट है कि एक समय है खेल खेलने कूदने का एक समय है पढ़ाई का एक समय है कि हम आ, शादी करते हैं एक समय होता है कि हमारे बाल बच्चे होते हैं एक समय होता है कि हम आ, अपने बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं या हम आ, प्रभु की सेफ करते हैं फिर हमारे रिटायरमेंट का टाइम आता है और फिर हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो ये एक बना हुआ है एक जर्नी तय है की, आ, किसी की साठ साल की किसी की सत्तर साल की किसी की सौ साल की है तो ये हमारी जर्नी है और जब हम आ, इस मार्ग में चल रहे हैं तो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो है वर्ड ऑफ गॉड अगर ये हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम अंधकार में हैं और जब हम अंधकार में हैं तो ये जो जर्नी हमें तय करनी है हमारे बर्थ से लेके हमारे लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है हम काट तो लेते हैं लेकिन काटना ही सब कुछ नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है हमारे पास नॉलेज नहीं है और नॉलेज नहीं तो हम अंधकार में है, तो अगर 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 हमारे 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 पास 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 में 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 वर्ड वर्ड है है ऑफ गॉड तो हम इस मार्ग में जब चल रहे हैं तो हमें चलने में कठिनाई नहीं, नहीं होती और अगर प्रभु हमारे साथ है अगर हमारे पास वर्ड है इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ में प्रभु है प्रभु अगर हमारे साथ में है तो क्या है हम रोशनी में है तो क्योंकि एक हम गाना सुनते हैं बचपन से कि चलेंगे हम रोशनी में साथ उसकी रोशनी में क्या कर सकेगा शैतान चलेंगे हम रोशनी में तो जब प्रभु ने हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया है कि हम रोशनी में चलें तो दूसरी तरफ जो अंधकार की अंधकार की शक्तियां हैं जो शैतान जो हमारा विरोधी है जो हमारा शत्रु है वो क्या करना चाहता है कि हमें इस चीज से हमारे इस मार्ग से डाइवर्ट कर दे इस मार्ग से डाइवर्ट करना क्यों चाहता है वो हमें क्योंकि उसको पता है कि अगर ये वर्ड ऑफ गॉड पे चलेंगे तो इनका जो एंड है वो अनंत जीवन है हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए ठहराए गए हैं ठीक है ये तो uh, जो संसार है ये एक टेम्परेरी हमारा एक टेम्प्रेरी घर है लेकिन जो हमारा uh, अवधि जिसको बोलते हैं कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण होना चाहिए वो है कि वो हमारा स्वर्गीय घर जो हमारा लास्ट uh, डेस्टिनेशन है वो हमारा होना चाहिए शैतान नहीं चाहता कि हम उस आशीष तक पहुंचे और वो उसका जो उसका जो हमसे जो क्लैश होता है वो यही होता है कि एक तरफ हम प्रभु के वर्ड के अंदर जब बढ़ते हैं तो प्रभु का वर्ड हमें हर एक कदम के ऊपर उजाला देता है और दूसरी तरफ शैतान पूरी तरह से कोशिश करता है कि हम उस वर्ड ऑफ गॉड में नहीं चलें क्योंकि तो उस वर्ड ऑफ गॉड में हर एक हर एक चीज का हर एक चीज के बारे में बताया गया है हर एक चीज का एग्जाम्पल है हर एक एस, ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक तरह से मैप है हमारे जीवन का नक्शा दिया गया है कि हमें कहाँ क्या कब अगर कोई दिक्कत आती है तो कहाँ मुड़ना है कुछ नहीं समझ में आता है तो हम वर्ड ऑफ गॉड उठाते हैं और हम उसके अनुसार चल सकते हैं अगर हम वर्ड ऑफ गॉड में चल रहे हैं तो हमें चलने में रोक टोक नहीं होती समस्याएं और परेशानियां तो आती हैं लेकिन अगर प्रभु का वचन हमारे साथ है तो हम अपनी जो हमने प्रभु ने हमारे लिए ठहराया है उस तक हम जरूर पहुंचेंगे आ, लेकिन शैतान भी उन्हीं लोगों पर अटैक करता है जो, जो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर चलते हैं उसको उन लोगों से मतलब नहीं है जो वचन को नहीं पढ़ते या जो अपना सुबह उठे और चले गए ये हम जैसे लोगों के लिए जब हम सुबह जुड़ते हैं इस, इस ग्रुप के अंदर इस वचन के अंदर तो उसका पूरी जो नजरें रहती है वो हम जैसे लोगों के ऊपर ही रहती है कि हम वचन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं और वो चाहता नहीं है कि हम इन सब चीज़ों इन सब चीज़ों पर चले तो वो अपने तीर चलाता है कभी किसी चीज का तीर को, टेंशन आ, आ जाएगी वो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं हम वचन के साथ जुड़े हुए हैं कनेक्शन है तो कुछ भी आ जाए वो जो दीपक हमारे साथ में है वचन रूपी वो हमें किसी भी चीज में ठोकर नहीं लगने देता जैसा जैसे हम देखते हैं कि जब इसराइली मिस्र की गुलामी से निकल के चल रहे थे जंगल के अंदर उनको चालीस साल लग गए और वो एक जो जंगल का सफर था बहुत लंबा सफर था जैसे वचन में लिखा है कि जो प्रभु था वो उनके आगे आगे दिन में कैसे चलता था बादल के रूप में और रात में कैसे चलता था आग के ख़म्बे के रूप में तो उन उन चालीस साल प्रभु उनके साथ रहा ठीक है दिन और रात में आग के खम्बे के रूप में और बादल के रूप में कि उनको कुछ तो जंगल का रास्ता था जंगल का रास्ता हम सबको पता रहता है कि कैसा रहता है हमें अगला स्टेप भी नहीं दिखता एक कदम भी नहीं दिखता अगर हमारे पास में दीपक नहीं है हमारे पास में लाइट नहीं है अगर हमारे पास में तो हमें अगला कदम उठाने में भी दस बार सोचना पड़े अगर हम कभी जंगल में अपने आप को महसूस करते हैं अगर हम कभी जंगल में जाए तो ऐसा लगता है कि लाइट नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं दिखता है बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी रहती है तो अगर हमारे पास इस ये जो हमारा ये जो लाइफ है ये एक एक सफर सफर के सामान ऐसा बोल सकते हैं जंगल के सफर के सामान ही है क्योंकि यहाँ पर बहुत दुख है बहुत तकलीफें है आती हैं लेकिन अगर हम वर्ड ऑफ गॉड में चल रहे हैं तो हमें एक भी ठोकर नहीं लगती जैसे शाम वन नाइनटीन में पढ़ते हैं वन नाइनटीन के वन सिक्सटी फाइव वर्ड्स में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती तो अगर अगर हम इस वचन से प्रीति रखते हैं इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारे पास में दुख भी आ रहा है अगर कोई टेंशन भी आ रही है कोई तकलीफ भी आ रही है कोई समस्या में घिरे हुए हैं तब भी हम इस वचन से प्रीति रख रहे हैं और हम इसके ऊपर मजबूत खड़े हैं कि नहीं ये दिस इज दिस इज दिस इज टेम्प्ररी ये मैं शक्तान यीशु के नाम से अधिकार देता हूँ ये समस्या यीशु के नाम से अधिकार देता हूँ तेरा मेरी लाइफ के ऊपर कोई अधिकार नहीं है और जब हम इस चीज को क्लेम करते हैं तो कहता है कि उनको कुछ ठोकर नहीं लगती जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं तो अगर हम ऐसे अपने आप को ऐसे जंगल में महसूस करते हैं तो हमें कोई भी आ, कोई भी ठोकर नहीं लगने वाली होती प्रभु का वचन हमारे साथ साथ रहता है हमारी हर एक कदम में वो हमारी रक्षा और रखवाली करता है आ, अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम आ, जंगल में जा रहे हैं कोई बहुत मतलब डेंस फॉरेस्ट है एकदम बिल्कुल और हमारे पास में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो हम अपने आपको ऐसा समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल बिना किसी लाइट के बिना किसी किसी व्हीकल के हम जा रहे हैं और कभी भी कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है आगे गड्ढा हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर वर्ड ऑफ गॉड हमारे साथ में है ठीक है तो हम अपने आप को एक सेफ गाड़ी के अंदर महसूस करते हैं जिसमें एलईडी लाइट लगी हुई है सामने का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और एक मोड दिख रहा है साफ साफ फोर बाय फोर उसका फीचर है और बुलेट प्रूफ कार बोल सकते हैं उसको या एनिमल प्रूफ कार बोल सकते हैं हमें कुछ भी भय नहीं है अगर हम वर्ल्ड ऑफ गॉड में चल रहे हैं तो हम कैसा भी जंगल हो कैसी भी वादिया हो कैसी भी घाटिया हो वो अः हमारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देता है साम वन में लिखा है कि वो हमें अपने पंखों के तले रखता है तो वैसे ही अगर हम वचन के अंदर चल रहे हैं हमें किसी भी चीज का डर नहीं है किसी भी चीज डर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन का हर एक दिन जो है वो गिना हुआ है माता के गर्भ से लेके और मृत्यु तक ये जो जर्नी है लाइफ की ये सब प्रभु के हाथ में है उसने हमारे लिए तय कर रखी है अगर हम स्टार्टिंग से हमारे जीवन के स्टार्टिंग से अगर इस चीज पे चलते हैं और आखिरी तक चलते हैं जैसे अगर हम कुछ पड़ाव को देखते हैं ऐसा बोल सकते हैं जो कुछ स्टेशन ऑफ लाइफ है उनको अपन देखते हैं कि अगर हम उस रोशनी के अंदर चल रहे हैं जो वचन रूपी हमें दिया गया है तो हमें कुछ भी बह नहीं हमें कुछ भी खतरा खतरा नहीं अगर आते भी हैं तो वचन के अनुसार हम उन चीजों से बाहर निकल जाते हैं जैसे वचन में लिखा है यीशु ने बोला कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है उसने छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के लिए ऐसा बोल दिया कि स्वर्ग का राज ऐसो ऐसा ही का है यानी उसने बचपन से उसको कनेक्ट किया स्वर्ग के राज्य से इसका मतलब यह है कि अगर बचपन से अगर हमारे पास में ऐसी आशीषें हैं ऐसी हमें शिक्षा दी गई है कि हमें वचन के ऊपर चलना है तो हमें कोई रोक टोक नहीं होगी तो माता पिता क्या करते हैं कि संडे स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं कि वो अच्छी शिक्षा पाए और अः कोई ऐसी गलत बात में ना पढ़े ठीक है फिर अगर, अगर हम अपने टीन में आते हैं तो अगर हमें विजडम चाहिए स्टडीज करने के लिए ठीक है और वचन में लिखा कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है तो हर एक चीज बाइबल के अंदर दी गई है हर एक चीज का जवाब हर एक आ, हर एक पड़ाव के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब इस वर्ड ऑफ गॉड के अंदर लिखा हुआ है इसलिए इसको कहा गया है कि हमारे लिए दीपक है हर एक नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना है वो हर एक चीज इस बाइबल के अंदर मौजूद है वो हमें ठोकर नहीं लगने देती अगर हम इसके अनुसार चलते हैं जैसे लिखा है कि हम तो वो हमारे लिए बुद्धि देने वाला परमेश्वर बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय मानना है है ठीक वो जब हम पढ़ाई कर लेते हैं फिर आगे चढ़ते हैं हमें अपना करियर चूज करना है तो वचन अगर हमारे साथ में तो हमें बाधा नहीं होती कि हमें कहाँ जाना है बिल्कुल हमें अपना मार्ग बिल्कुल क्लियर प्रभु दिखा देता है कि तुझे यहाँ चलना है तुझे ये चीज करनी है ठीक है फिर अब जब आ, हम अपना करियर चुनते हैं उसके बाद समय आता है हमें अपना सोलमेट चुनने का तो वचन में ये भी लिखा है कि कैसा सोलमेट हमें चाहिए भली पत्नी कौन पा सकता है ठीक है उसका उसके बारे में वर्णन किया गया अगर हम इन चीजों को गहराई से समझ समझते हैं पढ़ते हैं तो हमें किसी भी चीज को चूज करने में या किसी चीज़ के ऊपर चलने में कोई रोक टोक नहीं होगी ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीजें हैं और हमें इस वचन का अगर नॉलेज है इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को अगर काटते हैं तो हमारे लिए जो लाइफ है बहुत सरल हो जाती है ठीक है दिक्कत दिक्कतें परेशानी आती है लेकिन अगर अपने पास में ये एक क्या बोलना चाहिए कि आ, वो कुंजी दे रखी है एक तरह से जीवन की कुंजी है ये जहां कुछ आया अपने तुरंत पलट के देख लिया कुंजी चलती थी कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स रहते थे कुछ दिक्कत आई तो फटाफट कुंजी पलट के देख ली वैसे ही बाइबल भी हमारे लिए ऐसा ही है तो जीवन की कुंजी है और जहाँ भी कोई कुछ भी हमें कुछ चूज करना है कुछ डिसीजन लेना है तो बाइबल इज देयर टू गाइड अस तो बाइबल हमें हर जगह गाइड करती है कैसी भी आशीष हो भले स्वर्गीय आशीष हो संसारिक आशीष हो कोई सुख सुविधा है तो वो इस बाइबल के अंदर पाई जाती है अगर आपको कुछ भी चाहिए बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी मुझे सहायता यह हुआ की और से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है तो जो आकाश और पृथ्वी का करता है जिसने मुझे और आपको रचा है तो उसके हाथ में सारी चीजें उसके हाथ में धन है उसके हाथ में संपत्ति है उसके हाथ में आशीषे हैं संसारिक आशीषें हैं उसके हाथ में स्वर्गीय आशीषे हैं सब उसी के हाथ में है अगर हमें अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करना है कैसे करना है वो हमें बुद्धि देता है अगर हम इस वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार चलते हैं जॉब में कैसे आगे बढ़ना है जॉब में कैसे हमें ग्रोथ लेना है इस वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है हर एक चीज इस बाइबल के अंदर पाई जाती है मिनिस्ट्री कैसे करनी है वो हम सीखते हैं इससे कि कैसे मिनिस्ट्री करनी है वो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर लिखा है है अगर ये वचन रूपी लाइट हमारे पास है, तो जीवन में कोई भी पड़ाव हो वचन हमारे पास है और उस पर हम भरोसा रखते हैं और हम अपने मुंह से क्लेम भी करते हैं तो भले आंधी हो तूफान हो या कुछ भी हो ये वचन हमारे साथ है तो जो हमारा दीपक है तो वचन रूपी कभी नहीं बुझता अगर हम किसी मान लीजिए वो जंगल का एग्जाम्पल लेते हैं जंगल में जा रहे हैं और आंधी है तूफान है तो ठीक है अगर आप पुराने टाइम पे देखते थे मशाल लेके लोग जंगल में जाया करते थे उसके बाद टॉर्च का उपयोग होने लगा आजकल मोबाइल की लाइट है तो आपके पास में कोई सा भी अगर कोई मशाल है टॉर्च है मोबाइल की लाइट है या बोले बैटरी बैंक भी साथ में बैकअप लेके चल रहे हैं यार लंबा सफर है वो दस हजार एम एच बीस हजार एम एच की बैटरी वाला पावर बैंक भी है लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है यानी वो थोड़ी देर के बाद में खत्म हो जाता है की जो चीजें हैं लेकिन जब वर्ड ऑफ संसारिकॉड हमारे साथ में है तो कैसी भी आंधी हो कैसा भी तूफान हो वो वर्ड ऑफ गॉड रूबी जो दिया है वो जो दीपा को कभी नहीं बुझता ये एकमात्र ऐसा ऐसी रोशनी है जो हमारे साथ साथ हमेशा रहती है और हमें हर उस क्षेत्र में गाइड करती है जहां हमें उसकी जरूरत है और ये जो अः जो चीज है जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो शैतान पूरी कोशिश करता है हमको इस मार्ग से भटकाने की और इस दीपक को हमसे दूर करने की क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम इस रोशनी में चलें और उस अनंत जीवन तक पहुंचे शैतान को शैतान का यही पूरी कोशिश रहता है कि हमें इस चीज से दूर रखें क्योंकि उसकी जो मेन मोटो है उसका मेन मोटो यही है कि हमें इस इस आशीषों के अंदर नहीं पहुंचने पौशन, दे इन इन आशीषों का हकदार नहीं होने दे क्योंकि वचन में लिखा है कि चोर आया चोरी करने घात हत्या करने पर यीशु आया जीवन देने और बहुत आयात का जीवन देने तो हमारा जो इस संसार के ऊपर इस संसार के अंदर रह के जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम उन प्रभु की वचनों के ऊपर चलें इस वचन को हमारा दीपक बनाए और उस आनंद जीवन के हकदार हों और शैतान की हर एक चाल से उसके तीर से हम बचे रहें जो वो हमारे लिए बैठा रहा है बैठा रहता है कि हम कभी भी, भी होते हैं और वो हमारे ऊपर तीर चलाए और हमें उस जो दीपक रूपी वर्ड है उससे दूर करें तो आज सबको मैं आप सबको यही इस प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम डेली इस इस बाइबल को पढ़ें डेली हम उसके वचनों पर चले तो हमें कभी भी हमारे चलने में रोक टोक नहीं होगी और जो हमारे जो जीवन का सफर है वो बहुत इजी हो जाएगा सबको जय मसी की हाँ प्रार्थना करें पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता आज के इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर की आपने प्रभु जी मुझे इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा यीशु पिता ये वचन जो पिता परमेश्वर है पिता हम सबके लिए पिता परमेश्वर हमारे सबके प्रभु जी पाओं के लिए दीपक और पिता हमारे मार्ग के लिए उजाला साबित होने वाला होता है पिता परमेश्वर प्रभु ये आपका जिंदा कलाम है मेरे पिता परमेश्वर और इसकी हर एक बात सच्चाई है पिता परमेश्वर प्रभु हम सबके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता ये पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन दीपक के समान काम करे पिता आपकी गाइडेंस में चलने वाले हो सके पिता और हमारा जीवन पिता प्रभु जी आपके प्रभु प्रभुरी में कटने वाला हो सके मेरे पिता प्रभु जी सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता आज के सुबह के लिए धन्यवाद इस संगति के लिए धन्यवाद